यानी 31 अक्टूबर को देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती मनाई जा रही है। इस खास मौके पर एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गुजरात की केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी तमाम दिग्गज नेता लौह पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग कोने से, किसानों से मिले लोहे से, अलग अलग हिस्सों की मिट्टी से इस भव्य प्रतिमा का निर्माण हुआ है, उसका आधार बना है। और इसलिए ये प्रतिमा हमारी विविधता में एकता का भी जीवन प्रतीक है, जीता जागता संदेश है। साथियों, आज से ठीक एक साल पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को देश को समर्पित किया गया था। आज ये प्रतिमा सिर्फ भारतवासियों को ही नहीं, पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है, प्रेरित कर रही है। आज इस प्रेरणा स्थली से सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए संपूर्ण राष्ट्र गौरव का अनुभव कर रहा है। गुरुवार